हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ TIIT यूनिवर्सिटी के बारे में कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह स्टार्ट हो चुका है, तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, देन आपको इसमें टाइप करना है DIIT यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ से आपको DIIT से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गए हैं। यहाँ पे दिया गया है DIIT यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 एप्लीकेशन स्टार्टेड डेट्स एलिजिबिलिटी एंड काउंसलिंग। यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है 5 जनवरी को स्टार्ट हो चुका था अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, एंड इसका फुल फॉर्म है देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म है, एंड ये देहरादून में है, उत्तराखंड के देहरादून में है ये। देन आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाउस क्वालिफिकेशन, देन आपको गेट फ्री काउंसलिंग में क्लिक करना होगा। एंड देन यहाँ पे नोटिफिकेशन आया उससे जो एप्लीकेशन फॉर्म में स्टार्ट हो चुका है। देन यहाँ पे क्लिक है टू चेक द एप्लीकेशन डिटेल्स से आप क्लिक करेंगे, देन आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। देन यहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे, देन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन हो जाएंगे जहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एडमिशन रजिस्टर करना रहता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नेम, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, देन यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट, सेलेक्ट सिटी, सेलेक्ट प्रोग्राम, एंड देन यहाँ पे एंट्री टाइप टाइप करना रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पे कोर्स दिया गया, आपको कोर्स सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करके आपको सबमिट करना रहता है। बट अगर आपने पहले रजिस्टर किया था तो सिर्फ आपको अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर टाइप करना रहता है और अपना पासवर्ड टाइप करके आपको चेक टू रिमेंबर पर क्लिक करके आपको लॉगिन पर क्लिक करना रहता है। बट हम न्यू हैं तो पहले हम यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, तो चलिए पहले हम यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, उसके बाद हम आपको आगे की प्रोसेस बताएंगे। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गए। यहाँ पे दिया गया थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विथ DIIT यूनिवर्सिटी, योर क्रेडेंशियल आर सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल, एंड देन यहाँ पे दिया प्लीज़ चेक एंड स्टार्ट फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पर एक वेरीफाई ईमेल आएगा, देन आपको उस पर क्लिक करना रहेगा, देन आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। तो चलिए पहले हम ईमेल आईडी पे वेरीफाई करते हैं। देन आप यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे, देन यहाँ पे दिया गया अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे, देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको नेशनलिटी बतानी रहेगा, आपको जो भी नेशनलिटी होगी आप वो बताएंगे। उसके बाद आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना रहेगा, एंड यहाँ पर आपको एडमिशन कैटेगरी बतानी रहेगी, एंड देन यहाँ पर एंट्री टाइप करनी रहेगी। आपको जो भी एंट्री होगी आप वो टाइप करेंगे, रेगुलर, लिटरल या फिर माइग्रेशन आपको जो भी होगा। एंड देन यहाँ पे दिया गया नोट दिया गया, आप वो कोर्स सेलेक्ट करना रहेगा। देन आपको जो है मेक पेमेंट पे क्लिक करना रहेगा। सेकंड स्टेप में रहता है आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस देना रहता है। यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन फ़ीस देनी रहेगी। यहाँ पे 1250 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस देंगे। देन थर्ड स्टेप में है एप्लीकेंट्स डिटेल्स, आपको जो है अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डिटेल्स देना रहेगा, जैसे आपका नेम, आपका फादर नेम, आपका लास्ट नेम, देन आपका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, देन ब्लड ग्रुप, ये सारा इन्फॉर्मेशन देना रहता है। देन आपको अपना एड्रेस देना रहता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हो गया या फिर सिटी हो गया और फिर आपको स्टेट हो गया, एंड देन आपको पिन कोड डालना रहता है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस रहता है इस पर क्लिक करेंगे, नहीं रहता तो नो पे क्लिक करेंगे। एंड देन आपको जो है आपको अपना आगे का इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना रहता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको जो है आपको अपना टेंथ एंड ट्वेल्थ का आपको मार्कशीट देना रहेगा, उसमें परसेंटेज बता देना रहता है, एंड कौन से स्टेट से आपने स्टडी किया था, कौन से स्कूल से आपने स्टडी किया था वो बताना रहेगा, एंड कितने परसेंटेज आए थे, कौन से ईयर में आपने पास किया था। देन आपको अपने अपलोड सेक्शन, आपको अपना कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको अपना 10th and 12th का मार्कशीट देना रहेगा, एंड आपको अपनी फ़ोटो देनी रहेगी JPG या PNG फॉर्म में, देन सिग्नेचर करना रहेगा।
तो इस तरह से आपको सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।